मध्याह्न खबर को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस आवास घोटाला विरोध में बड़ लड़े तृतीय दिन में बीजेपी आंदोलन हजारे कोटीर बड़ दुर्नीति विरुद्ध चली लड़े राज्यव्यापी ब्लॉक ऑफिस घेर हैदराबाद रे क्राइम भुवनेश्वर गिरफ पांच साइबर ठकों को गिरफ कला पुलिस हैदराबाद रे 30 लाख टंकार साइबर क्राइम करथबा नै अभियोग राज्य में कोरोना मृत्यु लगुनी ब्रेक रेकर्ड 61 जन जीवन नेला वायरस 24 घंटा 2806 पॉजिटिव खोर्धार 590 कटक 441 भीमसारे कोविड रोगी को अवहेला अभियोग अवसरप्राप्त जिला जज द्वारा तदंत निर्देश देते हाइकोर्ट डाक्तर रोकू नथुबा वो बाहर मेडिसिन आणवाक कहुता अभियोग जलिला बारीपदा रक्त भंडार सर्ट सर्किट जो अग्निकाण्ड संदेह टेस्टिंग मशीन पोड़ जा रक्त नेबा व देवारे असुविधा सेपटे फालछरी गांव में घर जालीदेला हाथी एवं पाखि आसुची रथयात्रा आज श्रीजीव पवित्र नवजौवन दर्शन व नेत्रोत्सव आषाढ़ अमावास्या तिथि महाप्रभु विशेष बेश स्नान पूर्णिमार स्नान पर अणसर घरे अच्छा चतुर्थम संपूर्ण खबर को आसिबा हैदराबाद रे क्राइम भुवनेश्वर गिरफ भुवनेश्वर पांच साइबर ठक गिरफ होती भरतपुर थाना पुलिस सहायता रे हैदराबाद पुलिस मानको गिरफ करी तेबे हैदराबाद रे 30 लाख टंकार साइबर क्राइम करथबा ने अभियोग होई छी एमानको आज हैदराबाद पुलिस को हस्तांतर करबो कमिश्नरेट पुलिस बड़ खबर हैदराबाद रे क्राइम होई किंतु भुवनेश्वर गिरफ होती भुवनेश्वर पांच साइबर ठक गिरफ होता सूचना रही भरतपुर थाना पुलिस सहायता रे हैदराबाद पुलिस इमानको गिरफ करी छे बाबद्र अधिक सूचना पई संतोष फोनलाइन ने जोड़ी होती अब रिपोर्टर संतोष जो खबर सामना को आसुची जे हैदराबाद रे क्राइम अथच भुवनेश्वर पांच साइबर ठक गिरफ होती इमानक रैकेट बा इमानक नेटवर्क रे आउ अधिक केही थिले कि देखो बर्तमान समय जहाँ सूचना मिली डोरस्टेप हैदराबाद रे पाखापाखी दुईट अकाउंट रु 30 लाख टंका ठकी किंतु सबुठ दुखर कथा हूँ जे आज हैदराबाद पुलिस राज्य भितर आसुची आक्यूज मान को उठे नौ किंतु आज पर्यंत ओडिशा पुलिस केवे राज्य बाहर को जीव एवं साइबर फ्रॉड बर्तमान समय गोटे सारा राज्य में गोटे मुंडविधार कारण पलटिता बेले या कमी मा दिजो एक बर्तमान समय कौन से प्रकार देखा कि शुणा को मिलूनि कितु आज जहाँ सूचना मिलू हैदराबाद पुलिस पूरा एम को फलो करा आईपी आड्रेस प्रथम जांच कराला जमने कौ जगार अच्छा राजधानी विभिन्न स्थान में पूरा ग्रुप है एमने भिन्न भिन्न स्थान में लुचि रही थे प्रथम आईडेटिफाई कराला जमने कौटि रोचर कार्यकलाप कि भाव में चली अति चतुरतार सहित भरतपुर थाना स्टाफ साहय धरा पड़ने दुईट गाड़ी में बर्तमान आक्यूज मान हैदराबाद निया सारी तेरे सबुठ बड़ आत्मजोगर कथा हूँ जे किभली क्यों परिस्थिति रे कार्य करुथिले एवं ये टेक्निक केउ सिखिले काईकि लगातार भाव में राज्य भितर जो भाई भाव में बर्तमान साइबर फ्रॉड रो जो माने ओडिया युवक माने सामिल होती विशेष भाव में कह इंजीनियरिंग छात्र भितर किए अच्छा बेकारी पीछे मूल कारण पलटुची जो साइबर क्राइम करने पठाऊना सहज सुविधा उपाय लक्ष लक्ष टा लोक अकाउंट रु हैक कर खाली करदे ओटीपी कथा कौन तो केवाईसी कथा कौन उपाय अनेक थर ठके होता है हैदराबाद पुलिस आज राज्य भितर राजधानी अनेक स्थान खोजी खोजी पांच जन अभियुक्त के गिरफ्त कर हैदराबाद हो जाएगी ओडिशा पुलिस ओडिशा भितर अभियुक्त पचर पड़ी
ପଡିବା ଛାଡି କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ର ଶିକାର ନ ହେବେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 5 ସାଇବର ଠକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସାଇବର ଠକେଇ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସାଇବର ଠକେଇର ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସାଇବର ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମେନ୍ ପାୱାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଟିମ୍, ଭରତପୁର ପୋଲିସର ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସକୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏ 5 ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆବାସ ଘୋଟାଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ରଣହୁଙ୍କାର, ଆଜି ଲଢ଼େଇର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଦଳ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି ଦଳ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନଠାରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦାରଖ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଗାଁ ମୁରବୀ, ସାହି ମୁଖିଆ, ଯୁବକ, ମହିଳା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜନ ନିରୀକ୍ଷଣ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କାହ୍ନୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ବା ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବାର ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ତୃତୀୟ ଦିନ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକି? ଓକେ, କାହ୍ନୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛି, ସେଠାରେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ବିଜେପି ତରଫରୁ ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏ ଯେଉଁ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ସର୍ବତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଡାକରା ଦେଲା ଯେ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ 7, 8 ଆଉ 9 ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ 9 ତାରିଖ ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ନବୀନବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଲେ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ଘର ଦିଆଯିବ,
छपर रही बने खपर रही बने ये माने कौन करुछंती से टंका को नहीं दि जाऊँगी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना लिखि दौंट विजु पक्का घर के बड़ लज्जाजनक कथा एवं विजु पट्टनायक फोटो को लगोचन से आम कहूलु जदि विजु पट्टनायक एत प्रेम अच्छी विजु घर परे जदि प्रेम अच्छी बापां प्रेम अच्छी नवीन बाबू तुम्हें प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं ओडिशा को मध्य विजु प्रदेश करदे आम किसी कह आपत्ति ना आम सहित आउ किसी बीजेपी कर्मी अच्छा सहित सीधा सल कथ जो हजार कोटी टकर दुर्नीति ओडिशा प्रदेश में दीर्घ एक वर्ष धरी शासन करुवा नवीन पट्टनायक ताकू मु मीडिया माध्यम रे अनुरोध करुच्ची जे ओडिशा प्रदेश रे 26 लक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना घर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देले ठीक पात्र को देवे सुचारू रूपे चलेबे भारतीय जनता पार्टी ताकू आखि आगरे रखी विभिन्न प्रकार जगह को जाए समस्या समाधान आज आम गाँ गाँ बुलकर पाइछ हजार हजार लोक घर जेन मैने छायन घर छपर घर अच्छे से मानकर कथा के देकर आज आम उपस्थापन करूँ कोमना ब्लॉक पंचायत समिति रे आज नवीन बाबू को अनुरोध करुच्छे ओडिशा प्रदेश रे जेन प्रकार दुर्नीति करुछ ओडिशा प्रदेश रे जेन प्रकार प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना जेनटा चलीछे संपूर्ण भाव में केन्द्र सरकार दौन आपण मानको बीपीएल चाउल जेंटा दिया होचे संपूर्ण भाव रे 27 टंका केंद्र सरकार ओके आपण चित्र देखुतलो कुचिंडा प्रतिनिधि सौम्य सीधा सह काम सहित जोडी होइछंती सौम्य आपण जानिछंती राज्य तमाम बीजेपी विक्षोभ प्रदर्शन करूछे आज तृतीय दिन कुचिंडा रे चित्र कोन अन्याति भाव में देखते जो भाव में लगातार बीजेपी विक्षोभ जारी रही है किपर भाव में गरीब हिताधिकारी आवास योजना वंचित न हो प्रतिष्ठा जारी रखता बेले आज जो धारणा तृतीय दिन में पहुंची आम अच्छे बामरा ब्लक बामरा ब्लक कार्यालय सम्मुख चित्र देखी पड़ते किपर भाव में बीजेपी विक्षोभ जारी रही बीजेपी नेता कथा कहतु साधारण जनता कहतु जो हिताधिकारी आवास योजना वंचित अच्छी से आसिक निजर हक मगुच निजर जो प्रकार आवास योजना जो दुर्नीति को पर्दाफाश करने चेष्टा करपटे जो भाव में धीरे धीरे कुचिंडा अंचल कथ कहु कुचिंडा अंचल अनेक हिताधिकारी बची रही जो आवास पाईना बारंबार विभिन्न कार्यालय को गुहारि करते कौन अधिकारी कथ शुना बर्तमान वार्कर ना वार्कर आसे आपको कम दि जापरी भाव में स्पष्ट सूचना देखा बेले आम सहित बीजेपी कर्मी अच्छा मंडल सभापति अच्छा आज आम देखुल आज आप आंदोलन कर तृतीय दिन आंदोलन पहुंची आपण कथ सरकार शुणे कि आंदोलन जो प्रकार जारी रही तृतीय दिन है देखंतु आंदोलन आंदोलन सुनबे कि नि सुनबे से ताकर कथा है आमे तो कही नहीं पारू किंतु आमे सरकार दाबी करछु देखो केंद्र सरकार जेन घर देले इटा सारा उड़ीसा लागि देले किंतु देखबार लागि पाउछु आमर नोटा जिला के गुटे भी नि देई आमर समलपुर जिला सुन अछि सुन अछि त सुन अछि इने गुटे कथा देखो छ आपनकर न्यूज माध्यम रे भी मु देखबार लागि पाइली जानबार लागि पाइली जे वर्तमान आमर कुचिना निर्वाचन मंडली रे जेन विधायक रही शासक दल विजु जनता दल किशोर चंद्र नायक तांकर पंचायत रे भी ई अव्यवस्था रही छे हेले से सरकार के बाबत रे जनो छन के नि जनाबार से कथा से मने जानबे बुझले कि नहीं किंतु हमें हमें हक पाबार लगे लड़ाई रखी छु आ हक छिने के ओके केन्द्रापड़ा प्रतिनिधि प्रभात वर्तमान समय सहित जोड़ी होती केन्द्रापड़े कौन चित्र आसात जो भाव में बीजेपी विक्षोभ प्रदर्शन करुच्च बारंबार दल ए अभियोग आणुची आवास महादुर्नीति अनेक हिताधिकारी ए वंचित होती केन्द्रापड़े के समर्थन मिली देख जदि कह केन्द्रापड़े केलंकारी बर्तमान तीव्रतर भाग लगे जदि कह आली टू पटामुडे राजनगर टू आरंभ कर महाकालपड़ा सब जगार केलंकारी केलंकारी बास्ना गंध बाहर कारण कह ये आवास दुर्नीतिर महाघोटाला देखा मिली तेज आम अच्छा बर्तमान मार्साघाई ब्लक परिसर में अच्छू तेज आप सीधा सड़क ताजा चित्र देखो जो चित्र अच्छी बीजेपी कर्मी रणहुंकार रही तेज चित्र बास्तव चित्र आप देखुं किभली भाव से मैंने किभली रणहुंकार करी कह ये अंचल जो महाकालपड़ा निर्वाचन मंडल रही केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडल रही व्यापक परिमाण में आवास दुर्नीति को निश्चिंत दुर्नीति कराई जो साधारण गरीब लोकटे पाइनी दलय मनोवृत्ति में नेता मैंने सीधा सड़क दौरान प्रतिवाद रही तेज आम सहित जोड़ी होती ये जो विक्षोभ हो सारा ओडिशा रे 314 ब्लॉक रे विक्षोभ हो राज्य बीजेपी दल रिष्पत्ति क्रमे
आज ये विक्षोभ करा हेउची कारण हजार कोटी टंकार जो प्रधानमंत्री के आवास योजना जो दुर्नीति हेइची ताको पर्दाफाश करिबा लोक जो निर्वाचन मंडल रहिची महाकल्पर कोन दुर्नीति रहिची कोन ये अंचल तो संपूर्ण भाव दुर्नीति प्रधानमंत्री का आवास योजना तो संपूर्ण भाव दुर्नीति भितर बुड़ी रही जो मैंने हिताधिकारी से प्रकृत पा ना जो मैंने अजोग्य हिताधिकारी से घर दिहे जो मानकर तीन माला कोठा अच्छी दीमाला कोठा अच्छी से कोठार पुणी रंग बोलिकी फल्स बिल करपाई संपूर्ण भाव में बीजेडी सरकार एवं विधायक संपूर्ण भाव दायी रे प्रशासन दायी रही बर्तमान 314 ब्लॉक रे आमर बीजेपी तरफ घेराव कार्यक्रम जारी रही विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना दुर्नीति एवं राशन कार्ड दुर्नीति से प्रतिवाद रे आम एकत्रित आमर दाबी रही एक्चुअली योग्य हिताधिकारी से उपकृत हूँ एवं जो मैंने अजोग्य हिताधिकारी यार लाभ उठी से विरुद्ध में एफआईआर रुजु कर उचित दंड मिलू तो निश्चित भाव आप देखुले तेज आम सहित सीधा साल जोड़ी होती साधारण संपादक अवसरण मिश्र मैडम कौन कह दुर्नीति गंध आसपड़ा जिले कौन प्रतिक्रिया रखे प्रति आमर हूँ जे एठी जो आम पाइबार एक्चुअली जो मैं हक प्रधानमंत्री आवास हो कि राशन कार्ड हो कि मनरेगा दुर्नीति एठी भी होची सब प्रकार जो मैंने पाइबार हक से पा ना प्रति घरे आम भी एवं जानवाक पाऊ जो मैंने घरे घरे चार चारज भी व्यक्ति पाई सब निश्चिंत रूप पाँच कि जहाँ पाखे सठिक ढंग से पहुँचा कथा से पहुँची पार्टी कथा पाँगा जी न पाइबा कथा पाँच प्रति जगार ये अभियोग सामना को आसुची बहुत बहुत धन्यवाद विभिन्न जगह आम रिपोर्टर रही थे अधिक सूचना दौले खबर बाबद समय छोट ब्रेक ब्रेक पर देखा आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर को राज्य में कोरोना मृत्यु रे ब्रेक लागू नहीं पुणी थरे रेकर्ड संख्यक माने 61 जन को जीवन नहीं किलर भाइरस खोर्धारु सर्वाधिक 11 जन को जीवन जाई पुरी मयूरभंज गंजाम बरगढ़ 6 जन लेखाए मृतक रही मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4476 छुई सेपटे 24 घंटे राज्य 2806 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 590 तलकु रही कटक 441 कोरोना आक्रांत चिन्हट जाजपुर 252 बालेश्वर 153 पुरी 138 ढेंकानाल 124 पॉजिटिव चिन्हट होती वर्तमान राज्य में मोट एक्टिव केस संख्या 27,429 पहुंची भीमसारे कोविड रोगी चिकित्सा रे अवहेलार अभियोग सामना को आसी अवसरप्राप्त जिला जज द्वारा तदंत निर्देश देते हाइकोर्ट तदंत करी हाइकोर्ट रे रिपोर्ट दाखल करेंगे अवसरप्राप्त जिला जज बुल्ला भीमसारे कोरोना द्वितीय लहर समय रोगी चिकित्सा रे अवहेला अभियोग अनेक समय डाक्तर अनुपस्थित रोते औषध बाहर आने पर रोगी को कहुवर अभियोग होता यह आधार में राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एक तीनजिया कमिटी गठन कर घटनार तदंत आरंभ है मे 26 तारीख में कमिटी तदंत रिपोर्ट दाखल कर कॉपी आवेदनकारी प्रदान करने हाइकोर्ट देते निर्देश किंतु कमिटी रिपोर्ट में थिबा तथ्य ठीक नथिबा दर्शाई आवेदनकारी हाइकोर्ट में जवाब दाखल करते तेरे तदंत राज्य सरकार को समस्त सहयोग जोगाई देवा निर्देश दिया जाइथिला मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस सावित्री रथ को नहीं गठित खंडपीठ मामलार शुणाणी करिसेंति आवेदनकारी होउछेंति बरगढ़ ज्ञानदत्त चौहान हिल स्टेशन रे भिड़ सहित बढ़ुची कोरोना विपद तेबे मनाली रे चलिबो नाही अमान्यांक मनमानी मास्क सहित कोविड कटकणा भांगिले देबाको पड़िबो 5000 टंकार फाइन केवल सेतिके नुहे जेल रे कटि पारे 8 दिन कुल्लू जिला प्रशासन पक्षर एभली एक नुआ नियम लागू करा जाइछि सूचना आधार रे दिल्ली रे नियम कोहल हेबा परठु हिल स्टेशन रे पर्यटकों संख्या बढ़ी पारे लागिछि जून रो वर्तमान पर्यंत आसी सारिछन्ति 7 लाख पर्यटक प्रथमे कुल्लू जिला रे पुलिस प्रशासन पक्षर स्थानीय बासिंदा एवं पर्यटकों को सचेतन करा जाइथिला कुल्लू एसपी गुरुदेव शर्मा को हिसाब रे शेष 8 दिन भितर 300 रु अधिक चालन कटि सारिछि केवल सिमला जिला पर्यटन सूचना आधार में 87,000 पर्यटक सिमला रे रही थे हिमाचल सरकार 22 जून रु राज्य में प्रवेश पाई नियम कोहल करते हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं इनको अवेयर करने के लिए भी ड्राइव चलाया है
उसके लिए हमने एक पीए सिस्टम भी लगाया है, जिसमें लगातार बोला जा रहा है सबको कि मास्क पहनना जरूरी है, यदि कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसको 5,000 रुपये तक जुर्माना या 8 दिन की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा हमने काफ़ी चलान भी किए हैं और पिछले 7-8 दिन में ही 300 से ज़्यादा चलान पुलिस ने किए हैं और उसमें लगभग 3 लाख के करीब जुर्माना भी वसूला गया है। तो पुलिस हर तरह से हम एनफोर्स कर रहे हैं, हम सख्ती से उन पे जो चलान भी कर रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है, अवेयर भी कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि इस तरह से वो सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें। जलिला बारिपदा रक्त भंडार सर्ट सर्किट जो अग्निकाण्ड घटी सन्देह निया को नियंत्रण कर अग्निशम विभाग निया लगी रक्त भंडारे एसी कंप्यूटर और किसी आसबावपत पोड़ जाइए। सूचना हिसाब से रक्त रोकवा स्थान में जेकोसी क्षति होना आज सका 7:30 अग्निकाण्ड घटला। कंप्यूटर रूम्रे धूआ देखी तुरंत अग्निशम विभाग को खबर देते कर्मचारी, अल्प समय भितर घटनास्थल में पहुंच निया को आयत्त कर अग्निशम विभाग। निया लगवा पर टेस्टिंग मेसीन पोड़ जा सूचना फल रक्त नेवा देवे असुविधा। सेपटे मयूरभंज में विलंबित राति में घटी अघटन, हाथी जालीदेला घर, अल्पके बर्तिला परिवार। सूचना हिसाब से बेतनटी रेंजर बनपाल क्षेत्र में झारखंडी हाथी फालझरी गांव को पशि आसते सेठे सुरेन्द्र मुर्मू घरे पशि खाद्य खोजिते हाथी यार भितर बाहर चूली में अंगार या देखता लिभाइवा चेष्टा कर हाथी एभली करने द्वारा खाद्य खाईपर बोली से भाई से चाड़ू नड़ा और पत्र आणला फल लिभवा परे घरे लगी हाथी आसी गाँ लोक जग्रत हैं से सुरेन्द्र घर को साज्यपी दौड़ी आसी गाँ लोक तापरे जो चूलीटा थिला से चूली रे ये करी कि माने कुटा को सब चूली भितरे पकई देला तापरे से चूली रो नियाटा लागी संपूर्ण भाव घरटा पुड़ी गला माने क्षय क्षति केते हे छि होय क्षति तार धान 3-4 क्विंटल खंड हबो चाउल तार जहा आधार कार्ड वोटर कार्ड आ भत्ता कार्ड ता संगे तार जितको डेक्ची बेला बासन थिला सब का तार पुड़ी सरी जाइछि। आप हाथी टी देखी थे आज्ञा आम खेदुले हाथी को से हाथी कौन मत गलानी जिते निया हूद जल्ला से तार ये गला जाओ भितरे कौन मत चारज से लोक भितरे घर भितरे थिले बाइक चोर को निर्धम पिटिले गाँ लोक चोरी करुवा समय दुईज को काबू कले ग्रामवासी। खोर्धा जिला बालीपाटना थाना भौरगढ़ गाँव में भली घटना को नहीं चर्चा। गाँव दुष्मंत कुमार पात्र केनाल बंधरे बाइक रखी बिल को जाते समय यार सुजोग नहीं लुटेरा मैंने दुष्मंत बाइक को नहीं जाते लुटेरा भितर जड़े खसी पलाइवा बेले अन्य दुईज लुटेरा ग्रामवासी हाबुड़े पड़ता सूचना मिली। बुलेटिन को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।